हाँ, जिस तरह आप लोगों को पता है, लोग सिंगर्स, कॉमेडियन और होस्ट और एंटरप्रेन्योर्स बनना बहुत चाहते हैं। जो हमारी 15-15 सेकंड वाली आवाम है, वो कुछ कंटेंट बड़ा अच्छा बनाती है। मुझे रमैसा बड़ी पसंद है, उसका कंटेंट बड़ा अच्छा होता है, बंदे को हंसी आती है। और कौन कौन और भी बहुत हैं। अच्छा, पता नहीं, हाँ, नगरों से गुजरते रहते हैं, लेकिन अच्छे, बहुत अच्छे, अच्छे भी हैं। और उसमें कुछ बहुत सारे ड्रामों में भी आ रहे हैं और अच्छा काम कर रहे हैं। यस, तो उनका पता चल जाता है कि वो सिर्फ 15 सेकंड वाले नहीं है वो। हाँ बिल्कुल, लेकिन वो अच्छे कॉन्टेंट भी बनाते हैं और कुछ ऐसे होते हैं समझ में नहीं आता। तो आप मुझे बताओ, ये जिस तरह हमारे जो बच्चे चल रहे हैं, उनको पता नहीं हो रहा, उनको लगता है कि हर चीज जुगत है। लाइक उनको लगता है कि कुत्ता बनकर भागना भी कॉमेडी है, असल में ये एज ऐसी है, बंदरों की तरह उछलना कॉमेडी है, एक लड़का होकर औरत वाली ड्रेसिंग कर नाचना वो कॉमेडी है। तो आप थोड़ा सा बता दो इन चीजों में, बिकॉज आई बिलीव हमने कॉमेडी का एक वो एक होता है स्वाद खो दिया है। नहीं, कॉमेडी का कोई मजा रहा नहीं है, मजा नहीं रहा इसी बात पर भी। और हर बच्चा, हर बंदा ये चाह रहा है कि मैं, उसके लिए कोई मसला नहीं है, वो दिन में 4 वीडियो अपलोड कर दे, 5 कर दे, वो सोचता है यार इसमें से एक तो क्लिक ही करेगी ना। बिल्कुल, तो वो सोच रहा है कोई चीज बचे ना, कोई चीज बचे ना, मैं बोतल, जो साइकिल, बैग, आपकी पंपी, आपका ये टेबल, हर चीज पे कॉमेडी कर दूं, तो कोई ना कोई तो पसंद आ ही जाएगी लोग। पब्लिक किसी चीज को, किस चीज को हाईलाइट करते हैं, पब्लिक के ऊपर है। हाँ, वैसे आप मुझे बताओ, काफी लोगों ने, आई बिलीव थोड़ी बहुत आप लोग के साथ, लाइक एक होता है, मुझे जो लगता है थोड़ी बहुत ज्यादती भी हुई आप लोग के साथ, स्पेशली हमारी कॉमेडियन इंडस्ट्री में बहुत कम कॉमेडियंस है जिनको हमारी अवाम ने, हमारी इंडस्ट्री ने वो इज्जत, वो पैसा, वो चीज़ें दी। मतलब बाकियों को आई बिलीव वो लोग इतना एक 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 स्टेज नहीं देते, एक प्लेटफॉर्म नहीं मिलता, बड़ा पॉलिटिक्स चल रहे होते हैं। अगर आप देखते हो हमारे जो ड्रामों में भी ज़बरदस्ती कॉमेडी चल रही होती है, जो आई बिलीव आप लोग यहाँ करें वो ज़्यादा बेहतर कॉमेडी है। वहाँ बैठ कर है तो पैत 50 साल का बुड्ढा उछल कर साइड में जा असल रहा में है, यहां तो जिस, वो कॉमेडी नहीं है। असल में यहाँ जिसने काम करना है ना इंडस्ट्री में, हाँ, वो ये सोच के आए कि भाई मेरी बस ये लाइन है, मैं इतना हो गया, अगर मैं यहाँ तक पहुँच गया तो इससे आगे जाने की कोशिश ना करें। जितना मिल गया अल्लाह का शुक्र है, जो नहीं मिला ज्यादा अल्लाह का शुक्र है, वो आपके लिए अच्छा नहीं था। और यहाँ पर तो ये सोच के आए पाकिस्तान में, अगर आपने काम करना है कि बस ठीक है जो मिल रहा है अल्लाह का शुक्र है, बस खत्म। अगर आपने जहन पे सवार कर लिया ना कि यार मुझे उतनी पजीराई क्यों नहीं मिली जितनी फलाने को मिली, ढमाके को मिली, या मुझे उतना पैसा क्यों नहीं मिला जितना इंडिया में लोगों को मिलता है या बाहर के मुल्कों में मिलता है, जितने भी देखिए काम तो हम भी वही कर रहे हैं, उनको उनको कितनी अच्छी तरह प्रमोट किया। जी जी, ऐसे अलग लाइक वहाँ हर एक इंसान को प्रमोशन मिलती है। लेकिन वहाँ पे देखिए सबसे ज्यादा काम कॉन्टेंट पे होता है, हमारे यहाँ लिखने वालों की कमी है। लिखने वालों के बाद फिर जब मैंने आपके पिछली शो में भी बात की थी, एक शो में आपके आया था, तो हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये हो जाती है कि यार ये फलाना ये जबान बोलता है तो इस जबान का आर्टिस्ट काम नहीं करेगा। हाँ, हमारे जबान का तासुबाजी आ जाती है। आप ये देखो टैलेंट, आप किसी भी जबान का आर्टिस्ट हो, आप उसको सपोर्ट करो, अल्लाह ने उसको इज्जत दी, पैसा, आप पहले यहाँ स्टार तो बनाओ। हाँ, आप ये स्टार ही नहीं बना रहे। वहाँ पर देखिए, वहाँ पंजाबी भी है वो भी उर्दू में काम कर रहे हैं, गुजराती भी है वहाँ पर, मराठी भी है, सिंधी भी है, सब है वहाँ पर। देखिए हमारे प्रॉब्लम क्या है, कुछ चैनल्स का, कुछ सीनियर्स का, कुछ आटे में नमक, कुछ चैनल्स का, वो कहते हैं, मैं एक आर्टिस्ट जो सीनियर है, सुपरस्टार है, वो कहता है मैंने 100 बसें बदली हैं फिर मैं एक मुकाम तक पहुंचा हूं। ये आर्टिस्ट एक बस में बैठ के डायरेक्ट मंजिल तक पहुंच रहा है, इसको भी 99 बसें बदलवाओ, ये एक बस में बैठ के डायरेक्ट मंजिल तक कैसे। तो बोल एंटरटेनमेंट के शोज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।